बचपन से लेकर अब तक जाने और अनजाने में ही ना जाने कितने कार्टून्स, एनीमे, अमेरिकन एनिमेशन, फ्रेंच एनिमेशन और भी ना जाने कौन कौन से एनिमेशंस हमने अपने टीवी में देखे हैं। पर इन सभी एनिमेशंस में से हम सबको सबसे ज्यादा पसंद आने वाले एनिमेशंस ज्यादातर जापनीज एनिमेशंस होते हैं, जिन्हें हम एनिमे के नाम से जानते हैं। यदि आपने एनिमे का नाम पहली बार सुना है तो अभी आपको लग रहा होगा कि ये एनिमे क्या चीज है। Well, एनिमे कुछ और नहीं बल्कि आपका प्यारा डोरेमोन, शिनचैन, कितरेत्सु, कोचिकामे, परमैन, हागीमारु, पोकेमोन, युकाई वॉस, ड्रैगन बॉल, नरूटो, बेब्लेड, डिटेक्टिव कॉनन, वन पीस, वन पंच मैन जैसे और भी कई अमेजिंग एनिमेशन सीरीज ही हैं। और ये तो सिर्फ एनिमे सीरीज हैं, एनिमे सीरीज से भी अमेजिंग एनिमे मूवीज होते हैं, जैसे अ साइलेंट वॉइस, योर नेम, पोनियो, ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज और भी न जाने ऐसे ही लेजेंडरी एनिमे मूवीज हैं जिन्हें देखने के बाद आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। यहाँ तक तो ठीक है, पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको पता है कि जापान में किसी भी एनिमे को बनाने के लिए सबसे मेन सोर्स मांगा होता है। नाउ एक सवाल सामने आएगा कि व्हाट इज मांगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स वॉच इंट्रो एंड गेट स्टार्टेड टू नो समथिंग एक्साइटिंग। यदि सिंपल भाषा में समझाऊं तो मांगा किसी और चीज को नहीं बल्कि जापान में बनने वाले कॉमिक बुक्स को कहा जाता है। जैसे यदि इंडिया की बात करूं तो इंडिया में भी कई तरह के कॉमिक्स अवेलेबल हैं, जैसे डायमंड कॉमिक्स, राज कॉमिक्स, चंपक, लोटपोट, अमर चित्रकथा एंड सो ऑन। और एक जमाने में इनमें से कई पॉपुलर कॉमिक्स के कैरेक्टर भी बहुत फेमस हुआ करते थे, जैसे चाचा चौधरी, बहादुर, नागराज, डिटेक्टिव मूछवाला एसेट्रा। इंडिया में इन कॉमिक बुक्स को चित्र कथा के नाम से जाना जाता है, ठीक उसी प्रकार जापान में बनने वाले कॉमिक्स को मांगा के नाम से जाना जाता है। और ये तो कुछ भी नहीं, इस दुनिया में अलग अलग देशों में कॉमिक बुक्स को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कोरियन कॉमिक्स को मानवा कहते हैं, फ्रेंच कॉमिक्स को मानफ्रा, चाइनीज कॉमिक्स को मान हुआ एसेट्रा। एंड जापान में तो लगभग हर एक एज ग्रुप के लोग मांगा पढ़ते हैं, वो कोई एक बच्चा हो सकता है, एक जवान या फिर एक बूढ़ा व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जापान में मांगा के हर जीनर्स अवेलेबल हैं। ऐसा कोई जीनर नहीं बचा है जिसके ऊपर मांगा ना बनी हो। फॉर एग्जाम्पल एक्शन, एडवेंचर, बिजनेस एंड कॉमर्स, कॉमेडी, डिटेक्टिव, ड्रामा, हिस्टोरिकल, हॉरर, मिस्ट्री, रोमांस, साइंस फिक्शन, फैंटेसी, स्पोर्ट्स, सस्पेंस, सारे जीनर्स पर हजारों तरह के मांगा जापान में अवेलेबल हैं। मांगा स्टोरीज को मोस्टली ब्लैक एंड व्हाइट कलर में बनाया और प्रिंट किया जाता है, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आर्टिस्ट के द्वारा किए गए आर्ट वर्क अच्छे से निखर कर आ सके। एंड मांगा के कलरफुल ना होने का दूसरा रीजन है पैसों की बचत करना। हालांकि कुछ मांगा कलरफुल भी बनाए जाते हैं, पर स्टिल ज्यादातर मांगा ब्लैक एंड व्हाइट ही होते हैं। जापान में आमतौर पर मांगा स्टोरीज को मैगजीन्स में सीरियलाइज किया जाता है और एक बार में एक एपिसोड पब्लिश किया जाता है जो कि नेक्स्ट इशू में कंटिन्यू किया जाता है। जब किसी एक मांगा स्टोरी के कई सारे एपिसोड्स मैगजीन्स में इशू किए जा चुके होते हैं तो किसी एक पार्टिकुलर मांगा स्टोरी के सभी एपिसोड्स को एक साथ कलेक्ट करके उन्हें चैप्टर वाइज टैंकोबोन वॉल्यूम्स में रीपब्लिश कर दिया जाता है। ससुरा ये टैंकोबोन का चीज है रे? तो ये भी जान लो, जापान में टैंकोबोन किसी भी इंडिपेंडेंट बुक को कहा जा सकता है जिसमें चैप्टर वाइज किसी मांगा स्टोरी को रीपब्लिश किया जाता है। जापान में टैंकोबोन का सबसे बड़ा एग्जांपल जंप कॉमिक्स का है। जापान में किसी भी मांगा आर्टिस्ट को मांगाका कहा जाता है। एक मांगा आर्टिस्ट अपने साथ कुछ असिस्टेंट्स को रखता है और किसी एक खुद के बनाए छोटे से स्टूडियो में मांगा बनाने का काम करता है। वह कमर्शियल पब्लिशिंग कंपनी के किसी भी क्रिएटिव एडिटर के साथ भी जुड़ा रहता है। यदि कोई मांगा सीरीज ज्यादा पॉपुलर हो जाती है तो वो क्रिएटिव एडिटर उस मांगा सीरीज को एनिमे सीरीज में बदलने का काम करता है। जी हाँ, इसका बिल्कुल साफ मतलब है कि हम सबका फेवरेट डोरेमोन पहले एक
मांगा था फिर एनीमे बना। इटिमोलॉजी ऑफ मांगा। इटिमोलॉजी किसी भी वर्ड के ओरिजिन के स्टडी को कहा जाता है, यानी कि इटिमोलॉजी में हम ये जानते हैं कि कोई शब्द कैसे बना है। जैसे मांगा को ही ले लो, मांगा वर्ड मान प्लस गा से बना है, जहां पर मान का मतलब इम्प्रॉम्प्टू होता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बिना पहले सोचे हुए, एंड गा का मीनिंग होता है पिक्चर्स। सो मांगा का पूरा मतलब हुआ उन पिक्चर्स का ग्रुप जो आज से पहले कभी भी किसी ने नहीं सोचा। और ये सच भी है, मांगा सीरीज के हर एक कैरेक्टर्स डिफरेंट राइटर्स अपने इमेजिनेशन से बनाते हैं, जिन्हें आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होता। मांगा वर्ड पहली बार लेट 18th सेंचुरी में कॉमन यूसेज में आया। और हाँ, लेट 18th सेंचुरी का मतलब होता है सन 1790 से 1800 तक के बीच में पड़ने वाले साल। जैसे अभी 2020 चल रहा है तो इसे 21st सेंचुरी कहेंगे, ना कि 20th सेंचुरी। द हिस्ट्री ऑफ मांगा। माना जाता है कि मांगा की शुरुआत 12th सेंचुरी में की गई थी, एंड इन मांगास को स्क्रोल्स पर ड्रॉ किया जाता था, जो कि टाइम बीतने के साथ साथ बुक्स के फॉर्म में आ गए। असल में उस वक्त मांगा को रीड करने का स्टाइल राइट टू लेफ्ट ही होता था, कुछ इस प्रकार। फॉर एग्जाम्पल, ये किसी भी मांगा का एक पेज है जिसमें सबसे पहले इस डायलॉग को पढ़ना होता है, देन सेकेंड डायलॉग ये होता है, एंड थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, एंड सो ऑन। और मांगा का फर्स्ट पेज भी राइट साइड में होता है और सेकेंड पेज लेफ्ट साइड में। बेसिकली जापान में पहले किसी भी बुक को पढ़ने का स्टाइल राइट टू लेफ्ट ही होता था, बट टाइम बीतने के साथ साथ जापान ने भी बुक रीडिंग के लिए वेस्टर्न स्टाइल को अपना लिया, और आज के समय में ऑलमोस्ट सभी बुक्स वेस्टर्न स्टाइल में ही प्रिंट किए जाते हैं, यानी कि लेफ्ट टू राइट। आप अपनी स्क्रीन पर जो इमेज अभी देख रहे हो वो 12th सेंचुरी में बनाए गए मांगा में से एक मांगा है, जिसे काकुयू नाम के आर्टिस्ट ने बनाया था। जैसा कि मैंने आपको बताया, मांगा वर्ड कॉमन यूज में 18th सेंचुरी के लास्ट में आया था, जब जापानीज आर्टिस्ट शांतो क्यूडिन की पिक्चर बुक शिजी नो युकिकाय को पब्लिश किया गया था। इसके साथ साथ 19th सेंचुरी के शुरुआत में मांगा वर्ड को कॉमन यूसेज में लाने में और भी कई जापानीज आर्टिस्ट का योगदान रहा, जैसे आइकावा मिनवा द्वारा बनाया गया मांगा हायाकुजो, और 1814 से 1834 के बीच में आई होकुसाई मांगा एसेट्रा। 1945 तक ऐसे ही और भी कई जापानीज आर्टिस्ट ने मांगा को दुनिया के सामने लाने का काम किया। पूरी दुनिया में 1945 से लेकर 1952 तक वर्ल्ड वॉर 2 चला, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मॉडर्न मांगा और एनीमे अस्तित्व में आए। ये वो दौर था जब फ्यूचर मांगा की हिस्ट्री बनी, और जन्म हुआ ओसामू तेजुका का, जिन्हें गॉडफादर ऑफ मांगा के नाम से जाना जाता है। ओसामू तेजुका द गॉडफादर ऑफ मांगा। 3 नवंबर 1928 इसी दिन जन्म हुआ था ओसामू तेजुका का। सच में इस शख्स के बारे में जब आप जानोगे तब आपको पता चलेगा कि फुजिको एफ फुजियो कभी फुजिको एफ फुजियो होते ही नहीं, क्योंकि ओसामू तेजुका ही वो शख्स हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम मांगा को एनीमे में बदलने का काम किया। जब ओसामू तेजुका ने अपने कुछ फ्रेंड्स को ये बात बताई कि वो मांगा से एनिमेशन मूवीज बनाएंगे, तब उनके फ्रेंड्स ने कहा, भाई पागल हो गया है क्या, पता भी है ये कितना मुश्किल है, इसके लिए कितने पैसे लगेंगे। और सच में उस वक्त एनिमेशन बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं था, बट ओसामू तेजुका ने मांगा से एनीमे बनाकर जापान के इतिहास में एक नया चैप्टर जोड़ दिया, हिस्ट्री ऑफ एनीमे। एस्ट्रो बॉय ओसामू तेजुका के द्वारा बनाया गया एक ऐसा एनीमे जो कि कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इस एनीमे में एक छोटा सा रोबोट बॉय होता है जिसमें कुछ सुपर पावर्स और ह्यूमन इमोशंस होते हैं। ओसामू तेजुका को अमेरिकन एनिमेटर वॉल्ट डिज्नी के इक्विवेलेंट भी बताया जाता है। कॉन्क्लूजन के तौर पर, जिस तरह अमेरिकन एनिमेशन में मिक्की माउस का महत्व है, उसी तरह जापानीज एनीमे में एस्ट्रो बॉय का महत्व है। 9 फरवरी 1989 को जब ओसामू तेजुका की डेथ हुई, तब उनके लास्ट वर्ड्स थे, आई एम बेगिंग, लेट मी डू वर्क। और ये वर्ड्स एक नर्स ने सुने थे जब वह उनसे उनका स्केचबुक और ब्रश उनसे छीन रही थी। 1939 से 1945 में हुई वर्ल्ड वॉर 2 में कई कंट्रीज हारी थी, जिनमें से एक देश जापान भी था।
हाँ, 1945 में वर्ल्ड वॉर टू खत्म तो हुई थी, पर जापान उस विश्व युद्ध में बुरी तरह से हार चुका था और पूरे जापान पर 1945 से 1952 तक अमेरिका के सैनिकों का राज था। और 1945 में जापान में आर्ट एंड राइटिंग पर रोक लगा दी गई, जिससे कई आर्टिस्ट बेरोजगार हो गए। बट साल 1947 में आर्ट एंड राइटिंग से बैन हटा दिया गया, जिसके बाद ही ओसामू तेजुका की एनीमे सीरीज माइटी एटम पूरे जापान में पॉपुलर हो गई। और 1952 में जब माइटी एटम को एस्ट्रो बॉय के नाम से अमेरिका में ब्रॉडकास्ट किया गया, तब तो एस्ट्रो बॉय ने वर्ल्ड लेवल पर तहलका मचा दिया। और एस्ट्रो बॉय के कारण ही दूसरे देशों में जापानीज एनिमेशंस को एक स्पेशल नाम से जाना जाने लगा, और वो स्पेशल नाम था एनीमे। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जिस तरह से मांगा वर्ड को पॉपुलर कराने में कई सारे मांगाका ने अपना योगदान दिया, उसी प्रकार एनीमे वर्ड को भी पॉपुलर कराने में कई सारे मांगा आर्टिस्ट का योगदान रहा। और एनीमे वर्ड को पॉपुलर कराने में एस्ट्रो बॉय के बाद जिस सीरीज का रोल सबसे ज्यादा रहा, वो था मचिको हसेगावा के द्वारा बनाया गया एक मांगा सीरीज साजाई सान, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। 30 जनवरी 1920 को जन्म हुआ वन ऑफ द बेस्ट फीमेल मांगा आर्टिस्ट मचिको हसेगावा का। जब वह 15 साल की थी, तब उनके पिता चल बसे और उनकी पूरी फैमिली टोक्यो में रहने लगी, जहां पर रहते हुए मचिको हसेगावा ने कई न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में अपनी बनाई मांगा को पब्लिश किया। और उनका सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मांगा था साजाई सान, जो कि उन्होंने 1946 से 1974 तक मैगजीन्स में पब्लिश किया। साजाई सान मांगा में एक फैमिली की स्टोरी दिखाई गई है, जिसमें साजाई सान एक स्ट्रॉन्ग हाउसहोल्ड वुमन है। जब ये मांगा बनी, उसके अगले 50 वर्षों तक साजाई सान के 62 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिकी थी। साजाई सान को 1969 में एनिमेट करके टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट किया गया था, जिसके बाद तो साजाई सान की एनिमे सीरीज ने भी एस्ट्रो बॉय की तरह ही वर्ल्ड लेवल पर तहलका मचा दिया। हाँ, इसका एनिमेशन देखकर आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत बच्चों वाला एनिमेशन है, पर ये भी सोचो ना, ये एनिमेशन आज से 50 साल पहले बनाई गई थी, जिस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी आसानी से बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थी, जितनी आसानी से आज आप अपने फोन पर ये वीडियो देख रहे हो। ओवरऑल मचिको हसेगावा का एक बहुत बड़ा रोल था मांगा और एनीमे दोनों को पॉपुलर कराने में, और होता भी क्यों नहीं, इन्होंने अपना पूरा जीवन ही अपने पैशन और अपने काम में लगा दिया, जिसके चलते इन्होंने कभी शादी भी नहीं की। 27 मई 1992 को 72 साल की एज में मचिको हसेगावा की हार्ट फेलियर के कारण डेथ हो गई। जब उनकी डेथ हुई, तब उनका अंतिम संस्कार तो कर दिया गया था, पर उनके डेथ को 35 दिनों तक एक सीक्रेट रखा गया, जो कि मचिको हसेगावा की अंतिम इच्छा थी, और इसीलिए उन्हीं के कहने पर 35 दिनों तक पब्लिक से उनके डेथ को छुपाया गया। 1950 से लेकर 1969 तक मांगा पढ़ने वाले ऑडियंस की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिसमें दो जॉनरा के मांगा शामिल थे, शोनेन मांगा और शोजो मांगा। शोनेन मांगा बॉयज के लिए और शोजो मांगा गर्ल्स के लिए। बेसिकली शोनेन एक जापानीज वर्ड है जिसका मीनिंग बॉय होता है, और शोजो भी एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब गर्ल होता है। अब बॉयज को ज्यादातर एक्शन, साइंस फिक्शन, सुपर हीरो एक्सेट्रा पसंद आते हैं, इसीलिए उनके लिए शोनेन मांगा, और गर्ल्स को ज्यादातर परियों और प्रिंसेस की कहानियां पसंद आती हैं, इसीलिए उनके लिए शोजो मांगा। 1969 तक गर्ल्स के लिए बनी दो मांगा बहुत फेमस थी, जिसमें से पहले मांगा का नाम है प्रिंसेस नाइट या फिर नाइट इन रिबन्स, और इसे लिखा था ओसामू तेजुका ने, और दूसरे मांगा का नाम है लिटिल विच सैली, जिसे मित्सुतेरु योकोयामा ने लिखा था। वेल, लिटिल विच सैली का एनिमेशन वक्त के साथ बहुत ज्यादा चेंज हुआ। स्टार्टिंग में इसका जब एनिमेशन बनाया गया था तो कुछ खास नहीं था, बट इसका सबसे लेटेस्ट एनिमेशन सच में कमाल का है, जो आज भी जापान में बहुत देखा जाता है। जापान में 1968 से लेकर आज तक लाखों मांगा बन चुके हैं, और आज के समय में भी वीकली और मंथली बेसिस पर अनगिनत मांगा बनाए जाते हैं। अब इतने बड़े कलेक्शन को जॉनरा के अकॉर्डिंग कैटेगरी में डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मांगा के जॉनरा भी बहुत ज्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्शन, एडवेंचर, बिजनेस, कॉमेडी, डिटेक्टिव, ड्रामा, हिस्टोरिकल,
हॉरर, मिस्ट्री, रोमांस, साइंस फिक्शन और फैंटेसी, स्पोर्ट्स, सस्पेंस एंड द लिस्ट गोज ऑन। इसीलिए जापान में मांगा को मुख्य रूप से 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। 5 टाइप्स ऑफ मांगा। एक बार में बताऊं तो मांगा मुख्य रूप से 5 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 शोनेन मांगा, नंबर 2 शोजो मांगा, नंबर 3 सेनेन मांगा, नंबर 4 जोसाई मांगा एंड नंबर 5 कोडोमो मुके मांगा। तो चलो अब एक एक करके इनके बारे में भी अच्छे से जान लेते हैं। नंबर 1 शोनेन मांगा टारगेटेड ट्वीन एंड टीन बॉयज। वेल, शोनेन मांगा ही तो मांगा का वो टाइप है जो 18 साल तक के बॉयज को खूब पसंद आता है, क्योंकि शोनेन मांगा में वो सारे मांगा आते हैं जिनमें एक्शन, सुपर हीरो, साइंस फिक्शन एक्सेट्रा कूट कूट कर भरे होते हैं। फॉर एग्जांपल, लास्ट 30 सालों में सबसे ज्यादा पॉपुलर शोनेन मांगा कुछ इस प्रकार है। अकीरा टोरियामास मांगा ड्रैगन बॉल, माशा सी किशिमोटो द्वारा लिखा गया मांगा नारुतो, और सबसे रिसेंटली पॉपुलर मांगा मा हीरो अकेडमिया। नंबर 2 शोजो मांगा टारगेटेड एट ट्वीन एंड टीन गर्ल्स। वेल, शोजो मांगा का मेन फोकस एक्शन में कम और ड्रामा, इमोशन एंड रोमांस में ज्यादा होता है। शोनेन मांगा की तरह ही शोजो मांगा में भी ऑलमोस्ट सभी प्रोटैगनिस्ट यंग ही होते हैं, बस उसमें एक मेल होता है और इसमें एक फीमेल मेन प्रोटैगनिस्ट होती है। आप किसी भी शोजो मांगा के कवर को देखकर आसानी से पहचान जाओगे कि ये शोजो मांगा है, क्योंकि उनके कवर गुलाबी गुलाबी मिलेंगे, कवर से सजे होंगे और भी क्यूट क्यूट इमेजेस आपको वहाँ पर लगे पड़े मिलेंगे। और कवर्स क्यूट होते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझना कि शोजो मांगा में सिर्फ क्यूट स्टोरीज ही होती हैं। नो, नेवर। इन मांगास की स्टोरी भी दूसरे सभी जोनरा के मांगा की तरह होते हैं, एकदम धांसू। फॉर एग्जाम्पल, नाओको तेके उची के द्वारा लिखी गई मांगा प्रेटी गार्डियन सेलर मून, जिसे सिर्फ सेलर मून के नाम से भी जाना जाता है, एक बहुत फेमस एंड बेस्ट एग्जाम्पल है शोजो मांगा सीरीज का। बेसिकली इसमें एक 14 साल की गर्ल होती है जिसका नाम उसागी सुकिनो होता है एंड बाद में उसे कुछ पावर्स मिल जाती है जिससे वो सेलर मून में ट्रांसफॉर्म होकर अर्थ को बुरी शक्तियों से बचाती है। और इस मांगा का जब 90s में एनिमे बनाया गया तब उस टाइम वन ऑफ द बेस्ट एनिमे सीरीज में इसकी गिनती हुआ करती थी। नंबर 3 सेनेन मांगा टारगेटेड एट अडल्ट मेन 18+। ये मांगा आमतौर पर 18 से 30 साल तक के मेल रीडर्स के लिए बनाए जाते हैं। शोनेन मांगा के जैसे ही सेनेन मांगा में भी खूब सारा एक्शन और वायोलेंस होता है, लेकिन और भी ज्यादा सीरियस और डार्कर टोन और सेक्सुअल सिचुएशंस, ग्राफिक वायोलेंस और फुल लैंग्वेज यानी कि बुरी भाषा के साथ। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अकीरा का है जो जापान में फेमस सेनेन मांगा की लिस्ट में जरूर आता है। और इसका एनिमे अडेप्टेशन, भाई साहब क्या कहना, एक नंबर है। नंबर 4 जोसई मांगा टारगेटेड एट एडल्ट वुमेन। वेल, ये एक अलग टाइप का ही मांगा है जो कि स्पेशली 18+ वुमेन्स के लिए बनाए जाते हैं। जोसई मांगा का सबसे बड़ा एग्जांपल लवलेस का है। नंबर 5 कोडोमो मुके मांगा टारगेटेड एट यंग चिल्ड्रन। वेल, सिंपल भाषा में आप कोडोमो मुके को सीधे किड्स मांगा भी बोल सकते हो, क्योंकि ये वो मांगा होते हैं जिन्हें मेनली उन रीडर्स के लिए बनाया जाता है जो कि शोनेन और शोजो मांगा के रीडर से कम वाले एज ग्रुप में आते हैं, यानी 3 से 10 साल तक के बच्चे। और इस मांगा की खासियत ये है कि ये शोजो और शोनेन मांगा के एकदम उल्टा जेंडर न्यूट्रल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ भाई? मतलब कि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कोडोमो मुके मांगा को सिर्फ 3 से 10 साल तक के बच्चे ही पढ़ सकते हैं, बल्कि इन मांगा को किसी भी एज ग्रुप का इंसान पढ़ सकता है, चाहे वो 5 साल का हो या 50 साल का, सभी लोग इन मांगास को एंजॉय कर सकते हैं। डिजीमोन, डायनासोर किंग, डोराइमोन, बेब्लेड, निंजा हथौड़ी, परमैन, पोकेमोन, ये सभी कोडोमो मुके मांगा की कैटेगरी में आते हैं। और एक चीज जो मैंने नोटिस किया वो ये कि कोडोमो मुके मांगा ही लॉन्ग रनिंग मांगा होते हैं, मतलब कि ऐसे मांगा सीरीज जो कभी एंड नहीं हो सकते, क्योंकि ये सारे मांगा किड्स के लिए होते हैं। और जब तक इस ब्रह्मांड में ये दुनिया एग्जिस्ट करेगी तब तक इस दुनिया में नए नए बच्चे पैदा होते रहेंगे और कोडोमो मुके मांगा को पढ़ते रहेंगे,
जिसका साफ मतलब ये हुआ कि निंजा हथौड़ी, परमैन, डोरेमोन, शिनचैन, पोकेमोन एसेट्रा लॉन्ग रनिंग मांगास के कभी भी लास्ट एपिसोड्स नहीं आएंगे। इसीलिए आप फालतू में इन एनिमे के लास्ट एपिसोड के बारे में सर्च मत किया करो, क्योंकि मुझे पोकेमोन के लास्ट एपिसोड बनाने के लिए अनगिनत रिक्वेस्ट आ चुके हैं। भाई अब तो समझ जाओ कि पोकेमोन का लास्ट एपिसोड कभी बनेगा ही नहीं। एंड में इतना जरूर कहूंगा कि इंडिया में अवेलेबल किड्स चैनल सच में सिर्फ किड्स एनिमे और कार्टून ही दिखाती है, क्योंकि उनका मेन टारगेटेड ऑडियंस सिर्फ किड्स ही है। और ये सबसे बड़ा रीजन है कि इंडिया में टीवी पर टीनेजर्स के लिए एक भी एनिमे नहीं दिखाया जाता, क्योंकि जो शोज इंडियन टीवी चैनल्स पर दिखाए जाते हैं वो साफ सीधे किड्स एनिमे ही है, चाहे वो डोरेमोन हो या पोकेमोन या फिर बीब्लेड ही क्यों ना हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि इंडियन टीवी चैनल ने कभी टीनेजर्स को अपना टारगेट ऑडियंस माना ही नहीं। इसीलिए शोजो और शोनेन मांगा से बने एनिमे भी उन्होंने कभी भी टीवी पर एयर नहीं किया। और ये भी सच है कि एनिमेक्स चैनल ही हम जैसे टीनेजर्स के लिए वरदान था, जिस पर हर एक एज ग्रुप को टारगेट किया जाता था। पर हुआ क्या, उसे भी 18 अप्रैल 2017 को क्लोज कर दिया गया। द हिस्ट्री ऑफ कोडोमोमो के शोनेन एंड सेनेन मांगा। वर्ल्ड वॉर टू के बाद सबसे पहले मांगा रीडर्स में ज्यादातर बॉयज एंड यंग मैन शामिल थे, इसीलिए स्टार्टिंग में जितने भी मांगा बनाए गए वो ऐसे जॉनरा पर बेस्ड थे जो बॉयज या यंग मैन को अट्रैक्ट करते हो। और एज यू नो, उन सभी मांगा को शोनेन मांगा कहा जाता है। सबसे पहला नंबर आता है सुपर हीरो मांगास का। वेल, जितने भी कॉस्ट्यूम वाले सुपर हीरोज पर बेस्ड मांगा बनाए गए वो जापान में ज्यादा नहीं चल पाए। कॉस्ट्यूम वाले हीरोज बोले तो जैसे अमेरिका में बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन होते हैं ना, जो एक कॉस्ट्यूम पहनकर हीरो बन जाते हैं, वैसे मांगा जापान में नहीं टिके। हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। जैसे किया असामिया एक मांगा आर्टिस्ट हैं जिन्हें अमेरिका का बैटमैन बड़ा पसंद था, इसीलिए उन्होंने वहां से इंस्पिरेशन लेकर अपनी खुद की एक मांगा बनाई जिसका नाम है बैटमैन चाइल्ड ऑफ ड्रीम्स। एंड ये वाली मांगा जापान में काफी पॉपुलर हो गई। सेनेन मांगा की जब बात होती है तो सबसे पहला नाम गोल्गो 13 का आता है। गोल्गो 13 एक ऐसी मांगा सीरीज है जो कि 1968 से लेकर आज तक जापान की मैगजीन्स में पब्लिश होती आ रही है। अब आप सोचोगे, गोल्गो 13, ये नाम तो पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ मेरे भाई, आपका ये सोचना जायज है, क्योंकि गोल्गो 13 एक सेनेन मांगा है जो कि सिर्फ 18 प्लस एज वालों के लिए ही बनाई जाती है। अब जरा ये देखो, ये बेस्ट सेलिंग मांगास की लिस्ट है जिसमें फर्स्ट नंबर पर वन पीस है, सेकंड नंबर पर ड्रैगन बॉल है और थर्ड नंबर पर गोल्गो 13। देखो, वन पीस 1997 में आई थी, ड्रैगन बॉल 1984 में आई थी और गोल्गो 13 1968 में ही आ गई थी। मतलब समझ रहे हो, वन पीस और ड्रैगन बॉल 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में आए थे जब एनिमेशन इंडस्ट्री बहुत ग्रो हो चुकी थी और ये दोनों आते ही फेमस हो गए। लेकिन गोल्गो 13 1968 में आई जब एनिमेशन इंडस्ट्री की ग्रोथ शुरू ही हुई थी, और इस हिसाब से इस लिस्ट में गोल्गो 13 को बहुत पीछे होना चाहिए था। लेकिन नहीं, गोल्गो 13 सच में कमाल का मांगा सीरीज था जिसके एनिमेटेड वर्जन ने इसे पूरे जापान में फेमस कर दिया। इतना फेमस कि आज भी गोल्गो 13 को जापानीज मैगजीन्स में पब्लिश किया जा रहा है। वन पीस एंड ड्रैगन बॉल, ये दोनों शोनेन मांगा है, बट जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, गोल्गो 13 एक सेनेन मांगा है। सो यू आर नॉट सपोज टू वॉच इट्स एनिमे अडैप्टेशन अंटिल यू आर 18 प्लस, क्योंकि इसमें एक गन होती है और उस गन से निकली गोली का एक टारगेट होता है जो कि सीधे जाके ठाए हो जाता है। वेल, कई मांगा सीरीज ऐसी भी बनी जो कि रोबोट्स, साइंस फिक्शन एंड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थी, जिसमें एस्ट्रो बॉय के बाद सबसे बड़ा रोल यदि किसी मांगा सीरीज का रहा तो वो रहा डोरेमोन का। 1969 फुजिको फुजियो वर्क्स। वेल, फुजिको फुजियो दो मांगा आर्टिस्ट का एक नाम है जिनमें से एक है फुजिमोटो हिरोशी एंड दूसरे हैं एबिको मोटो। फुजिमोटो हिरोशी का जन्म 1933 में हुआ था एंड एबिको मोटो का जन्म 1934 में हुआ था। स्कूल टाइम में ही फुजिमोटो और एबिको पक्के वाले दोस्त बन गए थे और उनकी फ्रेंडशिप लाइफ टाइम चली। अब आते हैं मुद्दे पर। बेसिकली डोरेमोन का आइडिया फुजिको एफ फुजियो का था, लेकिन इसके मांगा सीरीज को दोनों दोस्तों ने मिलकर क्रिएट किया था और इस मांगा को दोनों ने एक नए पेन नेम फुजिको फुजियो के नाम से जापानीज मैगजीन्स में पब्लिश किया। और देखते ही देखते 1969 में डोरेमोन बच्चों के बीच बहुत फेमस हो गया। बस वहीं से फुजिको फुजियो ने डोरेमोन के खूब सारे वॉल्यूम्स बना डाले, जिसके एनिमे अडैप्टेशन ने तो आज भी पूरे दुनिया में तहलका मचा रखा है। वेल, 1986 में दोनों ने अपनी पार्टनरशिप तोड़ ली और उन्होंने अपना खुद का कुछ करने का सोचा और दोनों इंडिपेंडेंट मांगा आर्टिस्ट बन गए। और अब की बार जितने मांगा हिरोशी फुजिमोटो ने क्रिएट किए उन्हें
उन्होंने फुजी को एफ फुजियो के नाम से पब्लिश किया और जितने मांगा एबी को मोटो ने क्रिएट किए उन्हें उन्होंने फुजी को फुजियो ए के नाम से पब्लिश किया। और क्योंकि ऑलरेडी दोनों मांगा आर्टिस्ट के पास एक बना बनाया कॉन्सेप्ट ब्रेन में था ही, इसीलिए उसी एक कॉन्सेप्ट के बेस पर उन्होंने कई सारे सीरीज बना डाले। वेल, वो कॉन्सेप्ट था डोरेमोन का, एंड इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर फुजी को एफ फुजियो ने परमैन एंड कित्रेत्सु को क्रिएट किया एंड एट द सेम टाइम फुजी को फुजियो ए ने निंजा हथौड़ी एंड अल्ट्रा बी को क्रिएट किया। ओवरऑल फुजिको एफ फुजियो एंड फुजिको फुजियो ए इन दोनों मांगा आर्टिस्ट के कारण ही साइंस फिक्शन एंड टेक्नोलॉजी थीम पर बेस्ड मांगा सीरीज पूरे जापान में बहुत पॉपुलर हो गया। और जब इन सभी मांगा को एनीमे में कन्वर्ट किया गया तब तो पूरे जापान के क्या पूरे दुनिया के बच्चे एनीमे के दीवाने हो गए। आज फुजिको फुजियो ए की एज 86 है, बट 23 सितंबर 1996 को डोरेमोन के रियल मांगा आर्टिस्ट फुजिको एफ फुजियो की लिवर फेलियर के कारण 62 की उम्र में डेथ हो गई। मांगा विद सुपरनैचुरल सेटिंग्स। कुछ मांगा सीरीज ऐसी भी आई जिनमें पहले कुछ सुपरनैचुरल सेटिंग्स कर दी गई और फिर स्टोरी को क्रिएट किया गया। इसका जीता जाता एग्जांपल है सुगुमी ओबा एंड टाकेशी ओबाटा के द्वारा बनाया गया एक मांगा सीरीज डेथ नोट। Yes, again it's a seinen manga. And Death Note manga series में क्या होता है उसके लिए आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके मेरी Death Note वाली वीडियो देख लेना। Well, action adventure story से related भी कई popular manga भी बनाए गए, like the Legends of Kamui and Dragon Ball, जिसमें से Dragon Ball एक shonen manga है जिसके बारे में जानने के लिए आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख लेना, क्योंकि उसके ऊपर मैं ऑलरेडी दो डेडिकेटेड वीडियोस बना चुका हूँ। एंड यदि बात करूँ द लेजेंड ऑफ कामुआई की तो ये एक seinen manga है जिसके राइटर सनपेई शिराटो हैं। ये मांगा सीरीज फर्स्ट टाइम 1964 में केमोई देन के नाम से पब्लिश की गई, जो कि एक निंजा पर बेस्ड है, और 1999 में निंजा थीम पर ही बेस्ड एक शोनेन मांगा एग्जिस्टेंस में आई जिसका नाम था नारुतो। और 1999 में जब नारुतो की मांगा सीरीज आई तब तो ये सिर्फ जापान में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर बहुत फेमस हो गई, जिसे साल 2002 में एनिमे सीरीज में कन्वर्ट कर दिया गया। एंड गेस व्हाट, इसके एनिमे सीरीज ने तो पूरे दुनिया में इसके मांगा सीरीज से भी ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर ली। जैसे द लेजेंड ऑफ कामुआई 18 प्लस एज ग्रुप्स के लिए बनी थी, उसी तरह नारुतो बिलो 18 एज ग्रुप्स के लिए बनी है। एंड ऑब्वियसली नारुतो आज तक की फोर्थ बेस्ट सेलिंग मांगा सीरीज बन चुकी है। और एक फन फैक्ट सुनो, आज जितने भी मांगा वर्ल्ड लेवल पर फेमस है ना, उनमें से ज्यादातर मांगा शोनेन मांगा है। इसी तरह से आगे चलकर कई धमाकेदार मांगा सीरीज आए, जैसे डिटेक्टिव कॉनन, कोची कामी, डीमोन स्लेयर, अटैक ऑन टाइटन, हंटर एक्स हंटर, फेरी टेल्स, बॉयस ओवर फ्लावर्स, टोक्यो घूल, क्रेयोन शिनचैन, ब्लैक बटलर, वन पंच मैन, जैच बेल, एंड द लिस्ट गोज ऑन। द हिस्ट्री ऑफ शोजो एंड जोसेई मांगा। स्टार्टिंग के कुछ मेन शोजो मांगा रोमांस एंड सुपर हीरोइंस पर आधारित थे, एंड स्टार्टिंग में इनसे रिलेटेड दो मांगा बहुत फेमस थे जिनमें सैली द विच एंड सेलर मून शामिल हैं। मॉडर्न शोजो मांगा आमतौर पर रोमांस एंड लव पर बेस्ड होते हैं जिनका मेन थीम सेल्फ रियलाइजेशन होता है, और इनके नैरेटिव्स इतने डीप होते हैं कि मांगा रीडर पढ़ते पढ़ते ये तक भूल जाता है कि जो वो पढ़ रहा है वो बस एक फिक्शन है। और उन सभी मांगा के एनीमे अडैप्टेशन को देखकर तो वो बंदा सदमे में ही चला जाता है कि भाई ये क्या हो गया। एंड आपको इस चीज का एहसास कुछ लाइट नॉवेल्स पर बेस्ड एनीमे मूवीज लाइक योर नेम एंड आई वांट टू ईट योर पैनक्रियास को देखकर ही हो जाएगा कि इन मांगास में किस हद तक इमोशंस भरे होते हैं। ओवरऑल ऑलमोस्ट सभी शोजो मांगा इमोशनल, एपिक, हीरोइज्म, फैंटास्टिक एडवेंचर, पैशनेट लव, पर्सनल स्ट्रगल, इटर्नल लॉन्गिंग एंड पैशनेट नैरेटिव फ्रेमवर्क्स पर बेस्ड होते हैं। साल 2013 में एक शोजो मांगा सीरीज आई जिसका नाम था रियल लाइफ, एंड 2016 में रियल लाइफ को एनीमे सीरीज में कन्वर्ट कर दिया गया जिसमें 13+4 एपिसोड्स बनाए गए। एंड मुझे पर्सनली रियल लाइफ एनीमे सीरीज बहुत पसंद आई। वेल, रियल लाइफ के अलावा हजारों ऐसे शोजो मांगा बने हैं जिन्हें देखने के बाद सभी जेंडर एंड एज ग्रुप्स को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे फ्रूट्स बास्केट, स्किप बीट, बनाना फिश, नाना, एसेट्रा शोजो मांगा के बेस्ट एग्जांपल्स हैं। मांगा द कल्चरल इम्पैक्ट। 1950 से लेकर आज तक लाखों मांगा बनाए गए और पूरी दुनिया में सर्कुलेट भी कर दिए गए, और मांगा के साथ साथ सबसे बड़ी चीज थी उन मांगा से बनी एनीमे सीरीज। आज हजारों जैपनीज एनीमे सीरीज को अलग अलग देश अपनी लोकल लैंग्वेज में डब करके टेलीविजन पर एयर कर रहे हैं। मांगा एंड एनीमे का ग्लोबल इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि आज भी जब किसी देश में जापान का नाम लिया जाता है तो लोगों के माइंड में सीधे मांगा एंड एनीमे के थॉट्स आने लगते हैं, और आए भी क्यों नहीं, जापान एनीमे है और एनीमे ही जापान है।
हैं। सीधे बोले तो जापान में एनीमे या मांगा सिर्फ एंटरटेनमेंट का एक सोर्स नहीं है, बल्कि उनके देश का एक कल्चर है। आज के समय में यदि आप जापान विजिट करोगे तो आपको ऐसे कई कॉफी शॉप्स मिलेंगे जहाँ पर एक लाइन से मांगास रखे होते हैं। आपको बस वहाँ जाना है और किसी भी मांगा को उठाकर कॉफी पीते पीते मांगा पढ़ने का मजा लेना है। और यदि आपको कोई मांगा ज्यादा पसंद आ गई तो आप पूरी रात भी वहीं गुजार सकते हो। आपको सोने को तकिया, कंबल, रजाई सब मिलेगा। एंड जापान में ऐसे शॉप्स को मांगा कैफे या मांगा किस्सा कहा जाता है। द डिजिटल मांगा। देखो, पहले सभी मांगा किसी मैगजीन के थ्रू पब्लिश की जाती थी, लेकिन आज के समय में मांगा आर्टिस्ट सीधे वेबटून पर अपने मांगा को पब्लिश करके पैसा कमा सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि किसी मांगा सीरीज के फिजिकल कॉपीज ना बनाकर सीधे उसके डिजिटल प्रिंट्स को ही इंटरनेट पर पब्लिश कर देने को वेबटून्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, री लाइफ एक वेबटून ही था जिसका 2016 में एनिमे सीरीज बना दिया गया। सो इसका आपको मांगा के रूप में फिजिकल बुक कहीं नहीं मिलने वाला। फाइनली मांगा टू एनिमे की हिस्ट्री यहाँ खत्म हुई। एंड यदि आपको अभी भी इस वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी animation_vibes पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोस बनाता रहूं। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी।